हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वूलन राखी। तो घर में आपके पास कोई ना कोई कलर की बची हुई वूल पड़ी होगी और कुछ बीड्स या फिर कुछ मटेरियल बटन वगैरह पड़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने 3 फिंगर पे ऐसे इसके 25 राउंड कर लेने हैं वूल के। अगर आपको ज़्यादा घने बनाने हैं तो आप 30 भी कर सकते हो। और उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी वूल काट के इसको सेंटर में से बांध लेना है, बांध के और फिर सीजर से इसके बीच में आपको कट कर लेना है। दोनों तरफ कट करके जैसे आप इसमें देख रहे हैं वीडियो में, और एक कागज़ का या कुछ मोटे चार्ट पेपर का सर्कल छोटा सा काट लें, गोल जितना आपको राखी का साइज़ बनाना है। और इसके ऊपर रख के आप अच्छे से गोल इसकी शेप दे दें अच्छी तरह सफाई से, जैसे मैं इसमें दे रही हूँ। उसके बाद आपने सुई धागे से इसको अटैच कर देना है बटन वगैरह से, या जो भी आपके पास कुछ मटेरियल पड़ा हो, अगर आप फैब्रिक स्टिक से भी चिपका सकते हैं और सुई से भी सिल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। इसका जो धागा है नीचे बांधने के लिए जो हमने लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। अच्छी तरह इसको कर ले राउंड ऐसे। अब मैं इसको फेविकोल से स्टिक कर रही हूँ। अब इसका जो नीचे का धागा है वो हम जैसे चोटी को घूमते हैं वैसे ही हम 2 कलर का लेंगे, और उसको टेबल पे रख के टेप से चिपका देंगे और फिर उसको चोटी की तरह गूंद लेंगे। पहले उसको गांठ बांध लेना है धागों को, ताकि वो खुले नहीं, हिले नहीं। उसके बाद टेप लगाकर जैसे चोटी बनाते हैं, सबको आपको बनानी आती है वैसे इसको बुन लीजिए। ये आप एक कलर की भी बना सकते हैं, 2 कलर की ज़्यादा अच्छी लगती है। ये एक तरह से डोरी बन जाएगी। अब आप इसके सेंटर में सुई धागे से सिल दीजिए। मेरे पास एक पुरानी राखी का एक छोटा सा ओम पड़ा था, तो मैं वो फेविस्टिक या फेविकोल से स्टिक कर दूंगी। तो आपके पास जो भी हो आप उसको स्टिक कर देना। ये बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद, राखी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी आपको मैं स्टिक करके दिखा रही हूँ, देखिए बनने के बाद ये कितनी सुंदर लग रही है। दूसरी राखी मैं बना रही हूँ, ये भी बहुत सिंपल है। ये मैंने येलो वूल ली है और इसको भी मैं वैसे सेम चोटी की तरह गूंद रही हूँ, इसकी डोरी बना के। उसके बाद हम उसको गोल गोल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम उसको सुई से सिलेंगे। देखो ऐसे आपने छोटी बना लेनी है। उसके बाद ऐसे सेंटर में इसको रख के एक लूप को सेंटर में रख के और दूसरे फिंगर से इसको गोल गोल घुमाते जाना है ऐसे। देखिए ये एक गोल राखी की तरह सर्कल बन गया है। अब इसको सुई लेके हम अच्छी तरह चारों तरफ से सिल देंगे, ताकि ये और अच्छे से पक्की हो जाए, खुले नहीं, इसका बेस अच्छा हो जाए। और इसके नीचे हम गोल एक मोटा चार्ट पेपर काट के इसके नीचे वो बेस चिपका देंगे।
इसके ऊपर सेंटर में चिपकाने के लिए मेरे पास एक बटन पड़ा था, वो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको सुई धागे से सिल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। आपके पास अगर बटन ना हो तो कोई बीड्स हो तो वो भी लगा सकते हो आप। ये नीचे मैंने मोटे पेपर का बेस चिपका दिया है। अब मैंने इसकी जो डोरी बनाई है वो वाइट कलर से बनाई है, सेम वैसे ही चोटी की तरह गूंद के, और उसको भी मैं सुई धागे से स्टिक कर रही हूँ ताकि ये खुले नहीं और अलग ना हो डोरी से राखी। और इसके धागे को आप डेकोरेट कर सकते हैं कुछ ऊपर बीड्स लगाकर। तो मेरे पास एक छोटी नग से पड़े थे रेडीमेड, तो मैं वो मोती चिपका रही हूँ, स्टिक कर रही हूँ दोनों तरफ। देखिए ये भी एक राखी अलग से अच्छी सी तैयार हो गई है, सुंदर सी। ऐसे आप अपने घर में भाई के लिए अपने हाथों से ही राखी तैयार कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दें। थैंक यू सो मच।